नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री क्लासेस विद राजेश गौर। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेंडेलीव पीरियाडिक टेबल के एडवांटेज या एप्लीकेशंस। आखिर मेंडेलीव पीरियाडिक टेबल की कहां कहां उपयोगिताएं रहीं, कहां कहां इसका यूज किया गया, कितना हमारे लाइफ में एडवांटेज रहा मेंडेलीव पीरियाडिक टेबल का। तो पहला एप्लीकेशन से या एडवांटेज है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट आपका कहा गया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंटों के क्लासिफिकेशन में काफी यूज रहा पीरियाडिक टेबल का मेंडेलीव के। कैसे? जिस समय मेंडेलीव ने एलिमेंटों का क्लासिफिकेशन किया था तो ओरिजिनल पीरियाडिक टेबल के समय तो 60-65 जो है एलिमेंटों की डिस्कवरी हुई थी। बट इसके बाद जो जब मॉडर्न पीरियाडिक टेबल मेंडेलीव ने दिया उस समय एलिमेंटों की डिस्कवरी काफी हो चुकी थी। तो इसको इन्होंने छोटे छोटे कालमों में डिवाइड कर दिया गया और इन कालमों का नाम रखा गया ग्रुप और पीरियड। जब टॉप टू बॉटम चलते हैं, अप टू डाउन चलते हैं तो ग्रुप होता है और लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आपका पीरियड होता है। 7 पीरियड थे मेंडेलीव के मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में। आपका सब मिला करके 9 ग्रुप था। 9 ग्रुप, इसे सब ग्रुपों में डिवाइड किया गया और जब सब ग्रुप में डिवाइड किया गया तो वो कॉलम बनाए गए आपके 18। ग्रुप हैं आपके 9, सब ग्रुप जब बनाया गया तो इसके कॉलम रखे गए 18। अब जहां हमें 118 एलिमेंटों की प्रॉपर्टी को जानकारी करना है, उनके प्रॉपर्टियों की सही सही नॉलेज प्राप्त करना है, तो हम 118 टाइम्स लिखे उसे। 118 जो है बार इसका क्लासिफाई किया जाए और इसके फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टियों को लिखा जाए जो कि ज्यादा नंबर होगा, ज्यादा संख्या में लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको क्लासिफाई कर दिया गया और पूरे 9 ग्रुप बनाए गए। हमें 9 बार ही एलिमेंटों के फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टियों को पढ़ना है। हम 9 टाइम्स में ही 9 बार में ही सारे एलिमेंटों की फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टीज जान सकते हैं। इस प्रकार क्लासिफिकेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया मेंडेलीव पीरियाडिक टेबल। सेकेंड है आपका, अगर बात जो है हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन से या एडवांटेज की करते हैं तो ये बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट। इस पीरियाडिक टेबल से नए नए एलिमेंटों की डिस्कवरी हुई। इन्होंने एलिमेंटों के फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टी को तो पहले ही डिफाइन कर दिया था, क्योंकि एक ही ग्रुप के एलिमेंटों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती है। सेम ग्रुप के फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम होता है, लेकिन जिन एलिमेंटों की जानकारी नहीं थी इन्होंने उसे एका नाम रख दिया था। जैसे नाम रखा एका बोरान, नाम रखा आपका एका एल्यूमिनियम, नाम रखा आपका एका सिलिकॉन। जगह जगह खाली स्थान पहले छोड़ा था, खाली स्पेस छोड़ दिया था, लेकिन बाद में इसे एका नाम दे दिया इन्होंने जिन एलिमेंटों की डिस्कवरी नहीं हुई थी। बाद में पता चला कि ये जो आपका एका बोरान है ये स्कैंडियम है। पहले तो इसकी डिस्कवरी हुई नहीं थी, बट 1879 में जब इसकी डिस्कवरी हुई तो पता चला कि ये एलिमेंट आपका स्कैंडियम है, तो एका बोरान हटाया गया और स्कैंडियम की बात की गई। ये जो आपका एका एल्यूमिनियम है बाद में पता चला ये गैलियम है, और ये जो है 1876 की बात करते हैं
इसमें डिस्कवरी हो गई आपकी गैलियम की, तो एक एल्यूमिनियम रिप्लेस कर दिया गया, आ गया गैलियम, और ये था आपका जर्मेनियम जिसकी डिस्कवरी जो है 1986 में की गई। तो 18 सेंचुरी तक इन एलिमेंटों की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इसे मेंडलीफ ने एका बोरान, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन नाम दे दिया था। जब बाद में डिस्कवरी हुई तो पता चला बोरान, स्कैंडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम था, तो इसे रिप्लेस किया गया और उन एका बोरान, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के स्थान पर रखा गया स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। इस टाइप से महत्वपूर्ण एडवांटेज एप्लीकेशन रहा किसका, मेंडलीफ्स पीरियाडिक टेबल का। और थर्ड है आपका डिटरमिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट को डिटरमाइन करने में या ज्ञात करने में। तो ये थर्ड हम लिख लेते हैं डिटरमिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट को डिटरमाइन करने में। किस प्रकार आपका एटॉमिक वेट को डिटरमाइन किया गया, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट, ये आपका फार्मूला है एटॉमिक वेट निकालना है। तो हमें बैलेंसी और इक्विवेलेंट वेट की जानकारी हो तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एटॉमिक वेट। ये जो बैलेंसी है यही पीरियाडिक टेबल में ग्रुप नंबर है, जो ग्रुप नंबर होता है वही उसकी बैलेंसी भी होती है। तो अगर हमें एलिमेंटों का ग्रुप पता चल गया तो इसका मतलब बैलेंसी पता चल गया। और ग्रुप जानने के लिए हमने बताया आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन देख लीजिए कितने हैं, वही उसकी ग्रुप नंबर होगी या बैलेंसी होगा। तो बैलेंसी तो पता चल गया, इक्विवेलेंट वेट में से आप मल्टीप्लाई करिए आ जाता है आपका एटॉमिक वेट। जैसे इसका एग्जांपल हम देखते हैं, किसी का एटॉमिक वेट निकालना हो आपको तो ग्रुप नंबर ले लीजिए और इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दीजिए, जितनी वैल्यू आती है वही उसका क्या होता है एटॉमिक वेट। तो ये थर्ड था। हम बात करते हैं फोर्थ की, इसी को फोर्थ कर लेते हैं, ये है आपका करेक्शन आप डाउटफुल एटॉमिक वेट। जिन एटॉमिक वेटों में डाउटफुल था, त्रुटिपूर्ण थी, अशुद्धियां थी, उनका किया गया करेक्शन, उन्हें किया गया सही। जैसे इसका हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ये बेरिलियम है, हम लिख लेते हैं एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम इज इक्वल टू बैलेंसी। आपने पढ़ा ये है आपका बेरिलियम और बेरिलियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम का पॉजिटिव 3 चार्ज, इसकी बैलेंसी 3, इसलिए माना गया पहले जो है बेरिलियम का वैलेंसी जो है ये 3 है। इक्विवेलेंट वेट होता है आपका 4.5, तो इसे मल्टीप्लाई कर लिया जाए 5 13.5। और 13.5 की अगर हम बात करते हैं, अगर एटॉमिक वेट आ गया है और इसको हम सेकेंड पीरियड लिख लिया जाए तो इसमें है लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक वेट 14 और इसका एटॉमिक वेट है आपका 12 और 13 के बीच में ही आता है आपका 13.5।
मीन्स कार्बन और नाइट्रोजन के मिडिल में कहीं होना चाहिए आपका कौन सा एलिमेंट? बेरिलियम। ये पहले की बात करते हैं, जब ये माना गया कि बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ डाइगोनल रिलेशनशिप शो करता है, तो बैलेंसी थ्री है, तो इसका पीरियाडिक टेबल में पोजीशन होना चाहिए कार्बन और नाइट्रोजन के मिडिल में, बीच में, क्योंकि जो मेंडलीफ ने पीरियाडिक टेबल बनाया पहले ये डिपेंड था एटॉमिक वेट पर, एटॉमिक मास पर। तो स्टार्ट में जो भी बेस बनाया गया वो एटॉमिक वेट को ही बनाया गया, तो एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया, 12 के बाद ही आएगा और 14 से कम है इसलिए मिडिल में होना चाहिए। जब देखा गया तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो है ये स्पेस नहीं था, तब इसके बाद इसका मेंडलीफ ने किया करेक्शन, कहा आपका एटॉमिक वेट या बेरिलियम इज इक्वल टू 2 × 4.5 और ये आ जाता है आपका 9। जब 9 आया तो देखा क्या कि लिथियम और बेरिलियम एटॉमिक वेट 7 और इसका एटॉमिक वेट आपका 11 है, इसके बीच में स्पेस था और इसका एटॉमिक वेट कितना आ गया है आपका 9, और यही आपका लिथियम और बोरान के बीच में रख दिया गया किसे? बेरिलियम को। तो पहले जब बैलेंसी 3 माना गया था तो रंग हो रहा था, तो इसका करेक्शन किया किसने? मेंडलीफ ने। कैसे? बैलेंसी को कितना माना? 2। क्यों 2 माना? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। ग्रुप नंबर कितना है? 2। तो इसलिए मल्टीप्लाई किया 2 से और आ गया 9। पीरियाडिक टेबल में लिथियम और बोरान के मिडिल में स्पेस भी था और एटॉमिक वेट भी 7 के बाद 9 और 11 इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा था एटॉमिक वेट के, इसलिए इसे करेक्ट पोजीशन दिया गया पीरियाडिक टेबल में अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ। तो कुल मिलाकर के एप्लीकेशन से या एडवांटेज मेंडलीफ पीरियाडिक टेबल के 4 हैं। रटे रटाए, पहला क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, सेकंड डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट, थर्ड कैलकुलेट द एटॉमिक वेट और डिटरमिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट, और थर्ड है करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट, कुछ त्रुटिपूर्ण परमाणु भारों के संशोधन में इसका यूज किया गया। ये आपका रहा मेंडलीफ पीरियाडिक टेबल या मेंडलीफ के मॉडर्न पीरियाडिक टेबल के एडवांटेज और एप्लीकेशंस या उपयोगिता। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। तो हम लोग बात करते हैं डिफेक्ट की, डिसएडवांटेज के मेंडलीफ पीरियाडिक टेबल की, और इसमें तमाम डिफेक्टेड रहे, तमाम डिसएडवांटेज रहा, तमाम ड्रॉबैक रहा मेंडलीफ पीरियाडिक टेबल या मॉडर्न पीरियाडिक टेबल का। जैसे फर्स्ट है आपका पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। बात अगर हम हाइड्रोजन की करते हैं तो हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, एक पॉजिटिव चार्ज बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके निगेटिव चार्ज भी बनाता है। जैसे कि आपका सोडियम वन इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो यानी प्लस चार्ज हो गया, और सीएल एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो सीएल माइनस हो गया। ये है आपका हैलोजन और ये है आपका सोडियम एल्कली मेटल। तो ये एल्कली मेटल के साथ या एल्कली मेटल की तरह एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके डोनेट करके एक पॉजिटिव चार्ज बनाता है हाइड्रोजन, और हैलोजनों की भांति सेम टू हैलोजन वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एंड कन्वर्टेड इनटू हाइड्राइड आयन जस्ट लाइक क्लोराइड आयन। तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करके हाइड्राइड आयन भी बनाता है जैसे कि क्लोराइड आयन, इसलिए इसे जो है फर्स्ट ए ग्रुप में रखा गया और यहां हैलोजनों के साथ सेवेंथ ए में भी रखा गया। तो हाइड्रोजन का कोई कन्फर्मली पोजीशन ग्रुप नहीं बताया गया, इसे दो जगहों पर रखा गया, इसीलिए इसे कहा गया है आपका
वांडरिंग एलिमेंट, इस हाइड्रोजन को कहा गया है आपका आवारा तत्व, क्योंकि ये फर्स्ट में एल्कली मेटल के साथ रहा और आपका सेवेंथ में हाइलोजनों के साथ रहा, जबकि हाइड्रोजन को एक फिक्स पोजीशन, एक फिक्स ग्रुप में रखना चाहिए था। ये डिसएडवांटेज रहा, ड्रॉबैक रहा मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल की। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड की, सिमिलर एलिमेंट सेपरेटेड इन ग्रुप। आपका जो सिमिलर एलिमेंट था उसे अलग अलग ग्रुपों में रखा, जैसे आपका कॉपर है, इसे आपका फर्स्ट बी में रखा और मरकरी को रखा गया सेकेंड बी में, जबकि दोनों के प्रॉपर्टी जो है ये मिलते जुलते हैं, सिमिलर हैं, तो सिमिलर प्रॉपर्टी होते हुए भी इन्हें पीरियाडिक टेबल में अलग अलग ग्रुपों में रखा गया, ये ड्रॉबैक रहा। और भी एग्जाम्पल है, जैसे आपका सिल्वर है, ये फर्स्ट बी में रखा गया, आपका थैलियम है थर्ड बी में रखा गया, आपका गोल्ड है फर्स्ट बी में रखा गया, प्लेटिनम है सेवेंथ ग्रुप में रखा गया, जबकि इन सारे एलिमेंटों की प्रॉपर्टियां नियरली सेम थी, बट इन्हें डिफर डिफर अलग अलग ग्रुपों में रखा गया, ये भी डिसएडवांटेज रहा आपका, डिफेक्ट रहा मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल। थर्ड बात करते हैं, डिसिमिलर एलिमेंट प्लेस टूगेदर इन द सेम ग्रुप, जबकि अलग अलग प्रॉपर्टियां थी, डिसिमिलर होते हुए भी इन्हें एक ग्रुप में रखा गया, जैसे फर्स्ट ए है एल्कली, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये है आपका रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये है आपका एल्कली मेटल, इनके साथ फर्स्ट बी में आपका रख दिया गया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिन्हें कहा गया क्वाइन मेटल, तो ये है क्वाइन मेटल्स, महंगी मेटल्स हैं, जबकि ये एल्कली मेटल्स हैं, इन दोनों के प्रॉपर्टी मिलते नहीं, क्या है डिसिमिलारिटी, जबकि दोनों को फर्स्ट ग्रुप में, दोनों को एक ही साथ टूगेदर इन द सेम ग्रुप में रखा गया, ये डिसएडवांटेज है आपका मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल की। बात करते हैं हम लोग फोर्थ की, एब्सेंस ऑफ स्पेस फॉर इनर्ट गैस। मेंडलीव ने पीरियाडिक टेबल तो बना दिया, लेकिन आपका जो इनर्ट गैस था इसके लिए जो है इन्होंने स्पेस नहीं छोड़ा था, इसलिए इसे सबसे लास्ट में रखा गया, और लास्ट का मतलब किस ग्रुप में रखा गया, जीरो में। कौन कौन सा, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, एलिमेंटों को जीरो ग्रुप में रखा गया, इसलिए कि कोई खाली स्पेस नहीं था, जबकि जीरो से स्टार्ट होना चाहिए था, और जीरो को कहां रखा गया, लास्ट में। ये भी रहा है आपका डिसएडवांटेज आप मॉडर्न मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल। अगला बात करते हैं पोजीशन ऑफ एट ग्रुप। जब सारे ग्रुपों को, जितने ग्रुप बनाए गए फर्स्ट से सेवेंथ तक, इसे ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, लेकिन एक्सेप्ट रहा है आपका एट को छोड़ करके, और एट को थ्री ग्रुपों में बांटा गया, और तीनों का नाम भी आपका एट ही रखा गया, जबकि इसमें भी ए और बी ही होना चाहिए था, जबकि इसमें ए और बी का कोई जिक्र नहीं है, तो एट ग्रुप, ऑल ग्रुप डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप एक्सेप्ट एट, एट ग्रुप डिवाइडेड इनटू थ्री सब ग्रुप, बट नेम एट ही है, जबकि ए और बी होना चाहिए था, ये भी आपका डिसएडवांटेज रहा मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल का। पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनका करेक्ट पोजीशन नहीं बताया गया, ऊपर आपका ट्रांजिशन रहा और नीचे ब्लॉक को भी रखा गया, दोनों जगहों पर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं।
पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। नाम है आपका लैंथेनाइड, नाम है आपका एक्टिनाइड। ये पीरियाडिक टेबल के नीचे जो है 14 एलिमेंटों के दो सीरीज बनाए गए और इन्हीं सीरीज वाले एलिमेंटों को कह दिया गया है आपका लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। जब पीरियाडिक टेबल आपने बनाया है तो पीरियाडिक टेबल के बीच में ही से रखना चाहिए, बट इन्होंने पीरियाडिक टेबल के बाहर रखा, लोअर साइड ऑफ द पीरियाडिक टेबल में इन्होंने रखा इसे, और ये 14 एलिमेंटों का ग्रुप बनाया और इसे कहा आपका यह ब्लॉक एलिमेंट, या कहा गया लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। ये बहुत बड़ी कमी रही मेंडेलीय पीरियाडिक टेबल की। सिचुएटेड हाई एटॉमिक वेट एलिमेंट बिफोर लो एटॉमिक वेट एलिमेंट, इन्होंने जो पीरियाडिक टेबल बनाया था वो एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रख करके एलिमेंटों को बनाया गया था। हम बात दो करते हैं, एक है आपका पोटेशियम, एक है आपका आर्गन। पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39.9 और पोटेशियम का है 39.1। ये हमने लिख लिया है आपका एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। ये आपका मिनिमम है और ये आपका मैक्सिमम है, इसे पहले होना चाहिए इसे बाद में। ये आपका ग्रुप रिप्रेजेंट करता है 0 और ये आपका ग्रुप बताता है फर्स्ट ए। इसका ज्यादा है एटॉमिक वेट, मैक्सिमम है, तो इसे बाद में होना चाहिए, पहले 0 आएगा बाद में फर्स्ट ए आएगा। जबकि इन्होंने हाई एटॉमिक वेट को पहले रखा और लो एटॉमिक वेट को कहां रखा, बाद में, जबकि इन्होंने ऑर्डर बनाया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट और कहा था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियाडिक फंक्शन ऑफ दियर एलिमेंट। तो ये था ऑफ दियर एटॉमिक वेट, किसके पीरियाडिकसिटी थे, एटॉमिक वेट के। मेंडेलीव्स पीरियाडिक टेबल टोटली डिपेंडेड ऑन एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास, ये बताया था। और जबकि इन्होंने ज्यादा वाले को पहले रखा और कम वाले को कहां रखा, बाद में, ये सारे डिफेक्टेड थे, ये सारे ड्रॉबैक थे, ये डिसएडवांटेज थे मेंडेलीव्स पीरियाडिक टेबल के। तो आज हमने देखा है कि मेंडेलीव्स पीरियाडिक टेबल के कितने एप्लीकेशंस हैं, उपयोगिताएं हैं, और कितने डिफेक्ट और डिसएडवांटेज हैं, इनके दोष हैं, दुर्गुण हैं, विसंगतियां हैं, तो जहां लाभ है वहीं हानि है। इस प्रकार से ये आप जो है देख रहे हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन बनाए गए, जनरली लिखने को ये आए सारे इंट्रेंस एग्जामिनेशनों माने साले बोर्ड एग्जामिनेशनों में, बट यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत कम ही रखा गया जो एग्जाम्सों में पूछे जाए।